So let's study about what is a eusporangiate anther. Angiosperms के anther को हम eusporangiate anther क्यों बोलते हैं? पहली बात तो definition क्या हो गई? Because it is made of more than one archiesporial cells. एक से ज्यादा archiesporial cells से बना होता है. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? Eusporangiate बोलते हैं. तो इसके लिए, इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें anther के बनने की process समझनी पड़ेगी. कि जो हमने TS देखा, ट्रांसवर्स सेक्शन देखा एंथर का, वो पूरा वो कैसे बनता है, उसके अंदर की एंथर वॉल्स कैसे बनती है, स्पोरेंजिया बनती कैसे है, वो हम लोग को समझना है. तो देखो, स्टार्टिंग में क्या होता है, जो एंजियोस्पर्म्स का एकदम इनिशियल स्टेज में जो एंजियोस्पर्म्स का एंथर होता है, वो एक ओवल शेप या ऐसा सर्कुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है. ओवल शेप या सर्कुलर स्फेरिकल शेप का स्ट्रक्चर होता है. इसमें क्या होता है, सिंपल सी बात है, इसमें सबसे बाहर एक सिंगल लेयर होती है, और सिंगल लेयर क्या होती है, सिर्फ एपिडर्मिस. ये सिंगल लेयर कौन सी होती है, एपिडर्मिस होती है, और इसके अंदर कई सारी सेल्स होती है. ये सेल्स कैसी होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है. कौन सी सेल्स होती है ये आपको याद रखना है. कौन सी सेल्स होती है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है. अब जब इसका डेवलपमेंट होता है तो क्या होता है, आपको समझो, सबसे बाहर वाली लेयर हो गई आपकी एपिडर्मिस, और अंदर की तरफ हो गई मेरिस्टेमेटिक सेल्स. क्लियर है? अब जैसे जैसे, और एक चीज इसमें वेस्कुलर टिश्यूज की भी जरूरत है. तो क्या होता है, जितने भी वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं वो उसके सेंटर में अरेंज होते हैं. यहाँ पे क्या होते हैं, सारे वेस्कुलर टिश्यूज अरेंज होते हैं. तो इस तरह की शुरुआत में स्ट्रक्चर होती है. फिर इस स्ट्रक्चर का आगे डेवलपमेंट कैसे होता है वो आपको समझना है. तो इसमें क्या होता है, मिडिल में सारी सेल्स हो गई. अब आगे क्या होता है, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर ग्रो होती है, जैसे जैसे ये स्ट्रक्चर बड़ी होने लगती है, तो ये जो आपकी मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं, या स्ट्रक्चर को बड़ा कर लो, धीरे धीरे स्ट्रक्चर क्या होती है, बड़ी होने लगती है और शेप में आने लगती है. जैसे जैसे बड़ी होने लगती है, वेस्कुलर टिश्यू तो क्या रहेगा, आपका सेंटर में रहेगा ही. ठीक है, वेस्कुलर टिश्यू तो सेंटर में है, लेकिन ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स चारों कॉर्नर्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाती हैं. ठीक है, ये चारों कॉर्नर में डिपॉजिट हो गई. अब इसको हम जूम करके देखेंगे. आगे चल के यही क्या बनाती है, माइक्रोस्पोरेंजिया. लेकिन अभी नहीं बनाया है. अभी क्या होती है, अब एक स्ट्रक्चर को हम जूम करके देखते हैं, यहाँ पे और आगे बढ़ते हैं, कि ये जो सेल है सबसे बाहर क्या है, सिर्फ एपिडर्मिस प्रेजेंट है. सिर्फ क्या प्रेजेंट है, एपिडर्मिस प्रेजेंट है. ओके, अंदर मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आपको शॉर्ट में ही बता देता हूँ कि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं. ठीक है, अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या करती है, अंदर की तरफ भी डिवीजन करती हैं और बाहर की तरफ भी डिवीजन करती है. अंदर की तरफ डिवीजन करती हैं, बाहर की तरफ डिवीजन करती है. जब ये अंदर की तरफ डिवीजन करेंगी, ठीक है, तो यहां पर ये जो डिवीजन करके पूरी स्पोरेंजिया बना रही है, इसीलिए इन सेल्स को जो कि स्पोरेंजिया बनाएंगी आके, इन्हीं सेल्स को हम क्या बोलते हैं, आर्की स्पोरेंजियल सेल्स. इनको हम क्या बोलेंगे, आर्की स्पोरेंजियल सेल्स बोलेंगे. इसी आर्की स्पोरेंजियल सेल से पूरी माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप होती है. तो इसमें आगे चल के क्या होगा, ग्रोथ होगी, नई सेल्स बनेंगी. जैसे कि बाहर की तरफ तो इसकी बाकी की एंथर वॉल्स बनती हैं. आप जानते हो एंथर वॉल कौन सी होती है, मिडिल लेयर बनेगी, और उसके अलावा एंडोथीशियम बनेंगी. ये सारी चीजें धीरे धीरे इसके अंदर बनती जाती है. क्या बन रही है ये सब, एक तो एंथर वॉल बन रही है. एंथर वॉल किससे बनी, इसी आर्की स्पोरेंजियम सेल के बाहर की तरफ डेवलप होने से, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स है और अंदर की तरफ ये क्या बनाती हैं, एपिडर्म वगैरह सब कुछ बनाएंगी, पूरी एंथर वॉल. और अंदर की तरफ डिवाइड होकर के क्या करती हैं, और कुछ नई सेल्स बनाती हैं, और जिन नई सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू पूरा बना देती है. क्या बना देती है, स्पोरोजीनस टिश्यू, जिससे आगे चल के माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनती है. ठीक है, अब जैसे कि ये जो प्राइमरी सेल्स बनेंगी यहाँ पर एंथर वॉल, इस जो आर्की स्पोरेंजियल सेल होती है वो बाहर की तरफ पहले डेवलप होकर के क्या बनाती है, प्राइमरी पेराइटल सेल्स. और प्राइमरी पेराइटल सेल्स से क्या बन जाएगी, एंथर वॉल बन जाएगी. फिर साथ में ये क्या करती है, प्राइमरी स्पोरोजीनस सेल्स बनाती है.
प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल्स बनाती हैं, जिससे बाद में चल के स्पोरोजिनस टिश्यू बनता है। तो इस तरह से पूरा एंथर डेवलप हो जाता है, और इस तरह से डेवलप हुए एंथर को हम क्या बोलते हैं, यू स्पोरेंजिएट एंथर। दिस इज नोन एज यू स्पोरेंजिएट। बात समझ में आ गई सबको? तो इस तरह से यू स्पोरेंजिएट एंथर होता है जिसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर है? अब आपने माइक्रोस्पोर के बारे में पढ़ लिया, यूबिश बॉडीज के बारे में पढ़ लिया, देन नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द डेहिसेंस ऑफ एंथर।